अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैंने चिकन के पीस हैं, इन्हें इस तरह से थाई को लेग के साथ कटवा के रखा है। इन्हें मैंने कट्स लगा दिए हैं, और ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो चिकन है। इसे मैंने मैरिनेट किया है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर है, उसके बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑरेंज फूड कलर है बिरयानी वाला, 8 से 10 चम्मच इसके अंदर टेबल स्पून मैंने इसमें दही शामिल किया है, इसमें गरम मसाला लगाया है, इसमें नमक है तकरीबन हस्बे तौफीक कह लें या हस्बे ज़ौक कह लें, तकरीबन मेरा इस 1 से 1.5 टीस्पून के करीब इसमें नमक है। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे अगर सही समझे तो इसमें 1 टेबल स्पून चलेगा ही चलेगा। और सिरका है 5 से 6 चम्मच के करीब वाइट विनीगर, वो लगा के रखा है। ये मैरिनेट जब हो जाएगा तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल भी है इसमें, मैरिनेट करके आप इसे फ्रिज में रख दें, और फिर आप इसे मैरिनेट जब इसके मैरिनेशन टाइम पूरा हो जाए तो इसे ओवन में डालें। अच्छा देखिए, हमने इसे चिकन को पानी ड्राई करने के लिए चूल्हे पर रखा है, अभी थोड़ी देर में पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको ओवन में डालेंगे। ये मैरिनेट चिकन है तो ये तकरीबन आधे घंटे में इसका पानी ड्राई होगा। अच्छा देखिए, इस तरह से चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, अब मैंने इसे रख दिया, ये दरमियान में प्याज रखा है, ये रोटी के साथ खाने के काम आएंगे। अब हम इसे ओवन में डालते हैं, 250 पे हमने गर्म किया ओवन, और इसे 1 घंटे के लिए, एक नहीं आधे घंटे के लिए बहुत है, 15 मिनट एक साइड से 15 मिनट दूसरी साइड से गोल्डन करना, बस दैट्स डन। ठीक है, आप इसे वेजीज के साथ इस्तेमाल करें जैसे आपकी मर्जी है। ये होममेड चिकन है, बहुत टेस्टी है। ये चिकन हमारा तैयार है, चिकन का जो बच गया था मसाला उसके अंदर मैंने ये मटर और ये प्याज डाल दिए थे, ये भी तैयार है साथ खाने के लिए। अभी मेरे चिकन टिक्का ही मसाला आप कह सकते हैं इसे, और इसका तंदूरी कह सकते हैं चिकन, ये तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आइंदा ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। बड़ों को सलाम, बच्चों को प्यार, अल्लाह हाफिज़।